नमस्कार, चराहट के हिंदी में आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है। मरने से पहले अधूरे रह गए थे रावण के 7 काम, यदि वे पूरे हो जाते तो धरती पर आज स्वर्ग होता। क्या आप जानते हैं? यदि आप नहीं जानते तो आइए हम जानते हैं। दशहरा का त्यौहार लोग अधर्म पर धर्म की जीत के रूप में मनाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। देवताओं को भी पराजित करने वाला रावण महापंडित और महाज्ञानी था, लेकिन रावण की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वह अपने बल और ज्ञान के अहंकार में खुद को ही भगवान मान बैठा था और ईश्वर के बनाए नियमों की में बदलाव करना चाहता था। अगर रावण कुछ साल और जीवित रहता तो अपने 7 काम अधूरे जो छूट गए थे वह कर लेता तो दुनिया आज कुछ की कुछ और होती। आइए जानते हैं रावण के वह 7 अधूरे क्या काम थे। रावण का सबसे पहला सपना था स्वर्ग में सीढ़ी बनाना। रावण चाहता था कि हर व्यक्ति स्वर्ग जाए, इसलिए वह धरती से लेकर स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाने का काम शुरू करवा चुका था। लेकिन जब तक यह सीढ़ी बनकर तैयार होती, रावण भगवान राम के हाथों मारा गया। रावण की का जो दूसरा सपना था वह समुद्र के पानी को मीठा करना था। रावण को पता था कि पृथ्वी पर पीने का पानी कम है, अगर समुद्र का पानी मीठा हो जाए तो पीने की पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यह भी रावण का दूसरा सपना अधूरा रह गया। रावण का तीसरा अधूरा काम सोने में सुगंध भरना था। इसकी वजह यह थी कि रावण सोने का शौकीन तो था ही, इसलिए उसने अपनी पूरी नगरी सोने की बनाई थी। रावण चाहता था कि सोने में से सुगंध आए ताकि उसे कहीं भी सुगंध से जान लिया जाए, इससे सोने की तलाश आसान हो जाती। रावण स्वयं तो काला था, इसलिए वह रंग भेद को खत्म करना चाहता था। रावण चाहता था कि सभी लोग गोरे दिखें ताकि कोई किसी को उनके सांवले रंग को लेकर मजाक ना बनाए, कोई किसी की निंदा ना करे। ये रावण का काम था। रावण का अगला सपना था खून का, जो रंग वह लाल होता है, जिसे रावण सफेद करना चाहता था ताकि उसके द्वारा किए जाने वाली हत्या का पता किसी को न चल सके। रावण का जो अगला सपना था, रावण अगर कुछ दिन और जीवित रहता तो मदिरा को गंधहीन बना देता। रावण की चौथी इच्छा था कि मदिरा में कोई भी गंध नहीं हो, इससे सभी लोग मदिरा पान का आनंद ले सकें। अगला जो रावण का सपना था, रावण चाहता था कि संसार भगवान की पूजा बंद कर दे और उसकी पूजा करे, लेकिन रावण का यह सपना उसके साथ ही टूट गया। ये रावण के साथ ऐसे काम थे जो कि वह अधूरे रह गए थे। तो आज हमने जाना रावण के साथ ऐसे अधूरे काम जो कि वह मरने से पहले पूरा करना चाहते थे। तो हमें उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आज की वीडियो को काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि वह भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सके। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।